तरफ नरेंद्र मोदी महिला सम्मान की बात करते हैं, अपने भाषणों में बार बार महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और तो और 15 अगस्त वाले दिन भी भाषण देते हुए कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता हैं जो महिलाओं की बातों को इग्नोर करते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। एक महिला गुहार लगाती रह जाती है कि मैं मुख्यमंत्री से बात करना चाहती हूं, लेकिन पूरा प्रशासन उनको मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देता है। क्या हुई है पूरी कहानी, क्या है पूरी घटना, उससे पहले मैं चाहता हूं आप ये एक वीडियो देख लीजिए। अब इसके बाद मैं पूरी बात समझा रहा हूं। बेटी मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, अभी इस बात को पूरी करने को, ठीक है? बोले भारत माता की। एक बार फिर देर से बताओ ताकि ये बात पूरी हो जाए। भारत माता की। अब सुनो, ये फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, क्योंकि सब कहानी आपके बाग में, आपके गांव में ये आवेदन भरे जाएंगे, और सरल फॉर्म होगा। नाम, पति का नाम, अप्रैल में ये फॉर्म भराए जाएंगे, और मई में पूरी सूची बन जाएगी, और जून के महीना से बहनों के खाते में पैसा बहनों। मैं मुख्यमंत्री माँ बहन के दो बेटी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है। मध्य प्रदेश रीवा में एक बीजेपी की रैली होती है जिसको संबोधित कर रहे होते हैं खुद मामा जी शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। वहां पर एक महिला पहुंचती है, हाथ में कागज लिए हुए चिल्ला रही होती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान भाषण में इतने व्यस्त होते हैं कि उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। इतनी चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए बिलखते हुए वो महिला शिवराज सिंह चौहान से कुछ कहना चाहती है, अपनी दरख्वास्त करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें उठाकर, जबरदस्ती उठाकर पुलिस वाले कार्यक्रम से बाहर फेंक देते हैं। क्या होती है वो पूरी बात, महिलाओं के बारे में ही बात कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, अपनी माताओं बहनों के बारे में बात कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन क्या वो महिला जो उनके सामने रो रही है, बिलख रही है, क्या वो उनकी मां बहन नहीं लगती, क्या वो उनके राज्य की महिला नहीं है? इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है और एक महिला अपने ही मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकती, एक खुली सभा हो रही है, भाषण दे रहे हैं और अपने भाषणों में महिलाओं की बात कर रहे हैं, एक अपनी योजना का प्रचार भी कर रहे हैं कि एक फॉर्म भरिए और आपके खाते में पैसा आएगा, लेकिन एक महिला उन्हीं के सामने चीखती चिल्लाती रोती बिलखती उन्हें आवाज दे रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के कानों तक आवाज नहीं जाती। कहा जा सकता है कि शोर के कारण आवाज नहीं गई होगी, लेकिन क्या ऐसी खबरें शिवराज सिंह चौहान को नहीं मिलती या फिर बीजेपी के नेताओं को नहीं मिलती? असल में ये सारी महिला सुरक्षा महिला सम्मान की बातें केवल भाषणों में है। तमाम ऐसी घटनाएं आपको पता है जहां बीजेपी के राज में महिलाओं के साथ क्या कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 15 अगस्त को एक भाषण देते हैं, कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ठीक उसी शाम क्या होता है, उन्हीं के गृह राज्य गुजरात में से बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा कर दिया जाता है। यह है असली महिलाओं का सम्मान नरेंद्र मोदी के लिए और उनकी पार्टी बीजेपी के लिए। जहां जहां उनकी सरकार है वहां वहां महिलाओं के साथ बहुत ही दुष्कर्म होते हैं, और जहां सरकार नहीं है वहां भी होते हैं, लेकिन ये हिपोक्रेसी नरेंद्र मोदी और उनके नेताओं की इस वीडियो से साफ सामने आ जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये महिला भी शायद उसी बेटी की मां है या फिर इस देश की बेटी है जो कि शिवराज सिंह चौहान के सामने चिल्ला चिल्ला कर एक कागज लहरा कर बार बार उनसे मिलने की दरख्वास्त करती है,
सारे पुलिस वालों को बोलती है कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती हूं, लेकिन सारे पुलिस वाले उन्हें जबरदस्ती उठाकर पंडाल से बाहर फेंक देते हैं, वहां से निकाल देते हैं, और शिवराज सिंह चौहान उनकी एक नहीं सुनते। लेकिन हां, एक बात कहते हैं मंच से, हम आपसे मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। लेकिन उनके साथ जो सलूक हो रहा है पुलिस के द्वारा, उनके साथ जो खींचातानी हो रही है, बदसलूकी हो रही है, इसके बारे में शिवराज सिंह चौहान के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। भाषण में मसरूफ रहते हैं लेकिन उनकी तरफ देखते तक नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार में सबसे ज्यादा महिला सांसद है, सबसे ज्यादा महिला मंत्री है, लेकिन क्या इस महिला की बात वो महिला मंत्री करेंगी जो इस वक्त लोकसभा में बैठी है? क्या इस महिला की वो महिला मंत्री सुनेंगी जो शिवराज सिंह चौहान से अपनी अपील करना चाहती हैं, बार बार चिल्लाकर ये कहना चाहती हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती हूं, मेरी कुछ समस्याएं हैं जो उनसे मैं हल करवाना चाहती हूं। स्मृति ईरानी बहुत ही सेलिब्रेटेड लोकसभा सांसद हैं, बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहती हैं, हर बात पर अपनी खुलकर टिप्पणियां करती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वो महिला सांसद, क्या स्मृति ईरानी इस महिला के बारे में बात कर सकती हैं? क्या स्मृति ईरानी बिल्किस बानो के बारे में बात कर सकती हैं जो इस देश की बेटी हैं, जो जिनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, उनकी लड़ाई जो आज पूरी विफल दिखाई दे रही है, जिन्होंने इतने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अपने अपराधियों को सजा दिलवाई, अब वो सारी लड़ाई बेमानी सी साबित हो गई है। क्या स्मृति ईरानी उस महिला के बारे में बात करेंगी जो रोजाना घृणा भरे पुरुषों की नजरों से गुजरती हैं और खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, या फिर उनके केवल भाषणों में महिलाओं का जिक्र होता है, या फिर केवल कहने के लिए जुमलों की तरह महिलाओं का इस्तेमाल होता है? क्या इस महिला के बारे में एक भी बार कोई भी महिला सांसद एक भी बार नरेंद्र मोदी से बात करेंगी कि एक महिला है जो रो बिलख कर अपने ही मुख्यमंत्री से कुछ सवाल करना चाहती है, अपनी समस्याओं का समाधान चाहती है, क्या इस बारे में बात कर सकती हैं खुले फोरम पर ही, या फिर शिवराज सिंह चौहान खुद इस महिला से पूछ पाएंगे कि क्या बात है, क्या समस्या है, हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए ही यहां बैठे हैं। असल में सरकारें चुनी जाती हैं कि वो आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके, उनकी बातें सुन सके और उनकी आवाज बन सके। लेकिन जब लोगों की ही आवाज को दबा दिया जाए, जब भाषण देने में इतना व्यस्त हो जाया जाए कि एक महिला की आवाज ना सुनी जा सके, तो फिर उस कुर्सी पर बने रहने का फायदा क्या है, इन सारी सभाएं करने का फायदा क्या है, जब आप अपने ही राज्य की एक महिला की आवाज नहीं सुन सकते हैं। यह वीडियो मध्य प्रदेश की सरकार के गाल पर एक करारा तमाचा है, जो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और महिलाओं से ही जुड़ी हुई एक स्कीम का वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, और उन्हीं की पुलिस, उन्हीं के राज्य की पुलिस उस महिला को उठाकर कार्यक्रम से बाहर फेंक देती है। आपके इस पूरी वीडियो के बारे में विचार क्या है, यह हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और बताइएगा कि किस तरीके की हिपोक्रेसी इस देश में चल रही है, जब नेता महिलाओं का वोट लेने के लिए इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनकी बातें नहीं सुनते हैं। यह खबर जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और पहली बार HNP न्यूज की ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं HNP न्यूज, मैं आपके साथ धारण, धन्यवाद।